अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मैं गई थी सुबह सैलून अपने हेयर्स का और नेल्स का काम करवाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये दोनों काम करवा लिए हैं। ये मैंने हेयर्स का करवाया है और ये मैंने नेल्स का करवाया है। सैलून का नाम मैं आपको जो है बता दूँगी अपने ब्लॉग के एंड में, और मैं थंबनेल में भी आप देख लीजिएगा सैलून का नाम मैंने वहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा काम है उनका, प्लीज़ आप भी जाइए वहाँ पर और अपने सारे अच्छे अच्छे ब्यूटी के काम करवा लें। जी, तो अब मैं निकल रही हूँ सैलून के लिए और अपने नेल्स का काम करवाना है मैंने और हेयर्स का करवाना है। इंशाल्लाह दोनों काम बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको वीडियोस में दिखाती जाऊँगी नेल्स और अपने हेयर्स का काम। तो बस अब निकलते हैं सैलून के लिए। अब हम सैलून आ गए हैं। ये सैलून का रास्ता है, टेलर भी है, पूरी मार्केट है। बाकी मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ। और अभी ये मेरा जो है नेल्स का काम स्टार्ट हो गया है और ये बहुत ज़्यादा टफ़ जॉब है और ये वाकई में इनको बहुत ज़्यादा ये टफ़ जॉब कर रहे हैं सैलून्स में, लेकिन ये बहुत ही बनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आके कैसे। हेयर कलर हुआ है और हेयर कलर के बाद अब मेरा कैरेटिन हो रहा है और हेयर कलर में तकरीबन मेरे लगे हैं 45 मिनट्स 50 मिनट्स और अब ये कैरेटिन हो रहा है मेरा। और कोई बहुत ही ढीट मेरे जो होते ना ग्रे हेयर, इतने कोई ढीट हैं कि बड़ी मुश्किल से जो ना उन पर कलर आता है। तो ये बड़ी मेहनत की है ना सैलून वालों ने, अभी मेरा कैरेटिन हो रहा है। इतने तो कोई भयानक मेरे बाल थे ना, आफ्टर बिफोर मैं कर ही नहीं सकती थी। सीरियसली मैंने बहुत सोचा कि मैं आफ्टर बिफोर लगाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि चले होने के बाद तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखा देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है, जो इतने बुरे बालों को इतना प्यारा इन्होंने बना दिया। मैं भी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हूँ, ना अपनी हेयर्स की केयर करती हूँ, ना अपनी स्किन केयर का कुछ करती हूँ। अब बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी लाइफ गुजारती हूँ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो हमें अपनी सेहत का और अपनी हेल्थ का और अपनी सारी ब्यूटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की एक नेमत है हमारे लिए और अल्लाह की नेमत का हमें ख्याल रखना चाहिए।